Hello students, it is our topic how do organisms reproduce, class 10th, lecture 1. In this chapter we will study about reproduction and its type. So let us start. What reproduction? What is reproduction? Production of new organ of same kind is called reproduction. Production of new organism of its own kind or same kind by an individual is called reproduction. When an organism reproduces young ones of its own kind or same species, this process is called reproduction. Why organisms reproduce? What is the importance of reproduction? Reproduction is important to continue life of a species on the earth. It is very important process like all other processes we have studied in lesson 1, nutrition, respiration, transportation, circulation. Reproduction is also have same importance like those. Reproduction is important to continue life of a species on the earth or to जैसे कि हम जानते हैं कि आज डायनासोर अर्थ पर नहीं है. बहुत सारे ऑर्गन जो पिछले पास समय में थे जो अब नहीं है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुके हैं. वो ऑर्गन उन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वो बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए. और जो ऑर्गन आज हैं वो ड्यू टू रिप्रोडक्शन टू टेक ऑर्गन अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन करता है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जन्म कैसे देता है. एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत हद तक एक जैसे दिखते कैसे हैं. जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो या तो वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है. दोनों ही मेथड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है और वो ब्लूप्रिंट होता है डीएनए कॉपिंग के द्वारा या डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा. सबसे पहले जो डीएनए है एक ऑर्गेनिज्म का, जो जेनेटिक मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म का, सबसे पहले उसमें रेप्लिकेशन, उसमें डिवीजन होता है और सबसे पहले जो डीएनए है वो डिवाइड होता है. और डीएनए डिवाइडेशन के बाद साइटोप्लाज्मिक कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और जो गैमेट बनते हैं या डायरेक्ट जो रिप्रोडक्शन होता है सेल्स में वो डीएनए कॉपी या डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा होता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है समय समय पे इसमें ग्रेजुअल टेम्परेचर वगैरह, इसका जो भौगोलिक जियोग्राफिकल कंडीशन है ये समय समय पे बदलती रहती है. इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में एक इंसान को ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ वेरिएशन करने पड़ते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने अंदर जो चेंजेस करता है, जो चेंजेस उसके अंदर होते हैं उनको एडेप्टिव फीचर्स कहते हैं. और ये चेंजेस होते कैसे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशन कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं. एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फीचर्स में सिमिलर होते हैं बट वो बिल्कुल ही सेम टू सेम जस्ट लाइक फोटोकॉपी नहीं होते हैं. इन्हीं वेरिएशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है. अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की. दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है.
तो लेट अस डिस्कस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट मियोसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस डिवीजन है, देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन. तो जो मियोसिस सेल डिवीजन है मीन्स जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जिसको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बोलते हैं वो नहीं होता. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे. Asexual reproduction such as fission, fragmentation, regeneration. So first type is fission. ये दो प्रकार का होता है, binary fission and second regeneration. Now we will discuss about fission. The splitting of unicellular organism. What is fission? The splitting of unicellular organism into two or more than two organisms. Splitting of unicellular organism into two or more than two daughter organisms, or we can simply say that separate two daughter cells or two daughter organism. Two daughter cells. अगर एक organism दो daughter cells में split हो रहा है, splitting of unicellular organism into two daughter cells. This process is called binary fission. It occurs in amoeba. Splitting of one organ into more than two daughter cells is called multiple fission. Multiple fission जो है ये plasmodium में होता है, जिसकी वजह से malaria disease cause होती है. तो there are two types of fission, binary fission and multiple fission. फिजन दो प्रकार का है, बाइनरी फिजन. इट अकर्स इन अमीबा, पैरामीशियम, लीजमानिया. लीजमानिया कॉजेस काला आजार. मल्टीपल फिजन इट अकर्स इन प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैनी अकर्स इन मैनी फ्लामेंटस एल्गी फंगी एसेट्रा. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिक बॉडी ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स एंड ईच पीस डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिजेनेशन. इट अकर्स This type of reproduction, it is an special ability of an organism to regenerate the lost parts of the body which have been lost part of body which have been removed by the injury or autotomy. Autotomy होता है जैसे lizard है छिपकली, वो अपनी tail को खुद से छोड़ देती है. सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स. लिजार्ड अपनी टेल को खुद से छोड़ देती है, अलग कर देती है और उसकी एक न्यू टेल आ जाती है. दिस अकर्स ड्यू टू रीजेनरेशन. वैसे तो ये जो रीजेनरेशन प्रोसेस है ये सभी में होती है, लेकिन ये कैपेबिलिटी कि पूरा का पूरा लॉस्ट बॉडी पार्ट्स डेवलप कर जाना, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, ये सभी में नहीं होता है. नेक्स्ट है बडिंग. फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म बाय ए आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज कॉल्ड बडिंग. प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द प्रेजेंट पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड बडिंग. बडिंग होती है ये ईस्ट में होती है. इसमें क्या होता है, पेरेंट की बॉडी में आउटग्रोथ निकलती है, ये आउटग्रोथ डिटेक्ट होके पूरा का पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग. कई बार ये इसकी चेन भी चलती रहती है और फिर ये डिटेक्ट हो जाते हैं और प्रत्येक पीस जो है एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग. इन बडिंग formation of new species occurs by the repeated meiotic cell division. हमने आपको बताया था दो प्रकार का cell division होता है. meiosis cell division के द्वारा gametes बनते हैं और mitotic cell division के द्वारा हमारी जो somatic cells हैं, body cells हैं, उनका formation होता है. तो जो budding है उसमें repeated meiotic cell division होता है और एक outgrowth से बहुत सारे या कई बार एक ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए स्पोर इज ए सिंगल और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्पोर? Spore is a single or several celled reproductive structure that detaches from the parent and give rise directly or indirectly to a new individual. Spore जो है वो detach हो जाती है parent से और directly or indirectly new organs का formation करती है. ये जो है ये बहुत सारी फंगस में होता है. फंगस जैसे कि राइजोपस. ये फंगस राइजोपस में एक सिंगल सेल और सेवरल सेल स्ट्रक्चर है जिसको स्पोर कहते हैं. ये रिप्रोडक्टिव सेल है और इसी से न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. इसको कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच the parts other than
द सीड्स। इन दिस मेथड में क्या होता है, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड के द्वारा फॉर्मेशन होता है, बट इन दिस मेथड सीड के अलावा जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं यूज एज पोपेक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज एम्प्लॉयड इन द प्लेस ऑफ सीड, जैसे कि स्टेम हो सकता है, जैसे कि लीफ के द्वारा फॉर्मेशन हो सकता है, या कई बार कोई हम दूसरी सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन दोज प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। प्रोड्यूस सीड्स का मतलब समटाइम वो सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, और समटाइम उनमें वाइबल सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इट अकर्स इन बनाना, ग्रेप्स एंड मेनी और अदर प्लांट्स। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें स्टेम कटिंग का यूज किया जाता है। कटिंग इसमें किसी प्लांट की, जैसे रोज है, उसकी स्टेम को कट करके उसको सॉइल में कलम करके लगा देते हैं। जो कट पार्ट जो सॉइल के अंदर है उसमें रूट्स का डेवलपमेंट होता है, और पूरा का पूरा जो स्टेम है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं कटिंग। नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, जो एक प्लांट है उसकी जो ब्रांच उसको बेंड करके यू शेप स्ट्रक्चर में इस प्रकार से, जैसे ये प्लांट है इसकी ये ब्रांच है, इसको इस प्रकार बेंड करके ऐसे निकालते हैं और ये स्पार्क सॉइल में दबा रहता है। यहाँ से न्यू रूट्स जब डेवलप हो जाती है इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, और ये न्यू प्लांट पूरा का पूरा यहाँ से इस न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इस मेथड को कहते हैं लेयरिंग। ये लेयरिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये दो प्रकार से होता है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में हमने आपको बताया कि इस प्रकार की सॉइल में से इसको करते हैं, और एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेज उनमें तो माउंट लेयरिंग हो जाती है, लेकिन कुछ ब्रांचेस जो है प्लांट की वो हार्ड होती है, तो उनमें क्या करते हैं, जो ब्रांच है उस पर सॉइल सम स्पेशल केमिकल फर्टिलाइजर हार्मोन पड़े होते हैं, और उसको पॉलिथीन के द्वारा उसको बांध देते हैं। कुछ दिन बंधे रहने के बाद जब इसमें रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसमें रूट्स आ जाती हैं, तो यहाँ से इसको मेन प्लांट से कट करके इसको दूसरी जगह लगा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्टॉक और दूसरा होता है स्कियोन। स्टॉक जो होता है वो बेस वाला पार्ट होता है, और स्कियोन जो है वो अपर पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग अकर्स इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैविंग वास्कुलर कैम्बिया। द रूटेड पार्ट इन विच ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म, द रूटेड पार्ट इन विच द ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म इज कॉल्ड स्टॉक। इसमें दो अलग अलग प्लांट को लेते हैं, एक प्लांट में रूट वाला पार्ट होता है, दूसरे प्लांट में ऊपर शूट वाला पार्ट होता है, दोनों को एक साथ टाई करके सेम ग्रो कराया जाता है, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। द पोर्शन ऑफ अदर प्लांट बड ब्रांच एसेट्रा दैट इज ग्राफ्टेड टू द स्टॉक इज कॉल्ड स्कियोन। नाउ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, और सिंपली इट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इन दिस मेथड ए टिश्यू और सेल इज टेकन फ्रॉम द प्लांट। इसमें हम वो वाली सेल्स लेते हैं जिसमें टोटिपोटेंसी पावर पाई जाती है, मीन्स द सेल्स दैट हैव द डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, जो न्यू ऑर्गेन्स को डिवाइड कर सेल्स डिवाइड करके न्यू ऑर्गेन्स बनाने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, उन सेल्स को लिया जाता है, और एक सेल से या टिश्यू से बहुत सारे प्लांट डेवलप किए जाते हैं, उस मेथड को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए पूरा एक वेल डेवलप्ड लेबोरेटरी, बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में ये किया जाता है, इसके द्वारा
हमें डिजीज फ्री और डिजायर कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट प्रोवाइड होते हैं। थैंक यू। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।